नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, तो चलिए इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण करना क्या कहलाता है? एक ही बार में रंगों से चित्र को पूर्ण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्लेजिंग, दूसरा ऑप्शन है जेनरचित, तीसरा ऑप्शन है नाइफो पेंटिंग, चौथा ऑप्शन आइला प्राइमा। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आला प्राइमा। तो एक ही बार में चित्रों के रंगों से चित्र पूर्ण करना आला प्राइमा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है पारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है धूमिल और चौथा ऑप्शन है परावर्ती। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपारदर्शी। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? अपारदर्शी होती है। चलिए प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल आर्द्र माध्यम नहीं है? जल माध्यम नहीं है। ऑप्शन है टेम्परा, वाटर कलर, पेस्टल या वास। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेस्टल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल माध्यम नहीं है? तो पेस्टल जल माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर चार। यहाँ पूछा गया, इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया था? तो इम्पेस्टो से चित्रण कार्य किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है टर्नल, दोमिये, जान ब्रेटवाय और बिंसी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जान ब्रेटवाय। तो इम्पेस्टो से चित्रकार करने वाले जान ब्रेटवाय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, किसी चित्र के पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन है चेरास्क्यूरो, दूसरा ऑप्शन है साइजिंग, तीसरा ऑप्शन एचिंग और चौथा ऑप्शन हैचिंग। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हैचिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः, चित्र में गोद मिश्रित ओपेक रंग का प्रयोग दर्शाता है? तो चित्र में गोद मिश्रित ओपेक रंगों का प्रयोग क्या दर्शाता है? कोलाज, नाइफ चित्र, ग्वैश या ग्वाश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्वाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, चेरास्क्यूरो तकनीक से चित्र बनाया गया है? चित्र बनाया है किसने? चेरास्क्यूरो तकनीक से किसने चित्र बनाया? एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, टिंसिया ने या रेम्ब्रा ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने चेरास्क्यूरो तकनीक से चित्र बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ, चेरा फ्रेस्को, सेको फ्रेस्को बूनो तकनीक क्या होती है? फ्रेस्को सेको फ्रेस्को बूनो तकनीक होती है। ऑप्शन है ग्वास चित्रण, दूसरा ऑप्शन है मैट चित्रण, तीसरा ऑप्शन है एब्रिसेट और चौथा ऑप्शन है म्यूरल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, म्यूरल। तो फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो तकनीक म्यूरल होती है, म्यूरल तकनीक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर नौ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ, चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को आसपास संयोजित करके लाइट डार्क का प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है जेनर, दूसरा ऑप्शन है म्यूरल, तीसरा ऑप्शन है स्टिपलिंग और चौथा ऑप्शन है ग्लेजिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टिपलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्र करना क्या कहलाता है? तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्यास चित्रण, ग्वास, ग्वाटिक या एनकास्टिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनकास्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? किसका आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? तैल रंग का, जल रंग का, छापा कला का या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैल रंगों का आविष्कार आइक बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है? अंडा, गोद, ग्लिसरीन या उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ जल रंग में, तेल रंग में, टेम्परा में या एक्रेलिक रंग में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक्रेलिक रंग का। अगला प्रश्न है, एक लेयर में कार्य किया जाता है जल रंग में, तेल रंग में, एक्रेलिक रंग में या पोस्टर रंग में। ऑप्शन डी सही होगा, पोस्टर रंग में। अगला प्रश्न है, वाटर कलर मिलते हैं सीसी में, टिकिया में, ट्यूब में या तीनों में। तो ये तीनों में वाटर कलर मिलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सिग्रेफिटो कहाँ पर विकसित हुई थी। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जापान में या चीन में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरोप में। तो सिग्रेफिटो विकसित हुई यूरोप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि क्या है, भित्ति, काष्ठ फलक, कैनवास या बोर्ड। तेल चित्रण के लिए सबसे सर्वोत्तम भूमि कैनवास है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है, सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल या सोवा का तेल। तो तेल चित्रण का जो माध्यम है अलसी का तेल विशेष होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, ईवी हैवर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जल रंग हेतु कौन सी तूलिका सबसे उत्तम होती है। ऑप्शन है हॉग हेयर, सेबल हेयर, स्क्वायल हेयर, ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेवल हेयर। अगला प्रश्न है, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, तैल रंग में, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है कि एक्रोलिक में, फिर टेम्परा में या उपरोक्त तीनों में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त तीनों में। अगला प्रश्न है, कांच से फ्रेम करवाकर रखा जाता है जल रंग को, पेस्टल रंग को, ए बी को या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ए बी को। अगला देखते हैं, वैक्स वार्निश लगाया जाता है, केरोसिन वार्निश, एनिमल वार्निश, फ्रेस्को सेको या कोलाज। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, फ्रेस्को सेको। अगला प्रश्न है, फ्रॉटेज तकनीक उपयोग में की जाती है। पहला ऑप्शन है केरोसिन वार्निश में, इम्पेस्टो में, ग्लोजिंग में या रब में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रब में। अगला प्रश्न है, तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है जल रंग में, तुलका धोने में, कपड़े में या प्राइमिंग में। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तुलका धोने के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पेंसिल कंपनी की स्थापना हुई थी किस सन में, 1716 में, 1719 में, 1721 में या 1800 में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1716 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम पेंसिल कंपनी की स्थापना 1716 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, ट्राइबल आर्ट्स किससे संबंधित है, जनजातियों से, आदिम कलाओं से, बौद्ध भिक्षुओं से, इनमें से कोई नहीं। ट्राइबल आर्ट जनजातियों से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कागज की कतरन से बने चित्र को क्या कहते हैं, फ्रोटेज, कोलाज, म्यूरल या वाटिक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कोलाज। चलिए अगला प्रश्न है, वाटिक कला का जन्म हुआ था कहाँ पे, इटली में, भारत में, स्पेन में या इंडोनेशिया में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया में। वाटिक कला का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, तैल रंग में खाली स्थान की तरफ चित्रण कार्य किया जाता है, प्रकाश से छाया, छाया से प्रकाश या प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छाया से प्रकाश की तरफ चित्रण कार्य किया जाता है तैल रंग में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, जल रंग में खाली स्थान की ओर चित्रण कार्य किया जाता है, ऑप्शन है छाया से प्रकाश,
प्रकाश से छाया दोनों में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश से छाया की ओर जल रंग में चित्रणकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सैंड जल वाइंडर मिला रहता है। ऑप्शन है मर्टर में, फोटो कलर में, फ्रेस्को में या तीनों में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मर्टर में। अगला प्रश्न है, चित्र चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है, पद्धत, तकनीक, साइजिंग या प्राइमिंग। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तकनीक। अगला प्रश्न है, धातुओं के रंग कब बनाए गए थे, 20वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती हैं, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 15 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, 2G, 6B, 3H या 4B। सबसे हार्ड पेंसिल मानी जाती है 3H, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वाटिक कला का जन्म कहाँ पर हुआ था, भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया। तो वाटिक कला का जन्म इंडोनेशिया में हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को क्या कहते हैं, कोलाज, फुरताज, म्यूरल या ग्राफिक्स। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, रिलीफ इंटीग्लियो फ्लैट किस कला की तकनीक मानी जाती है। ऑप्शन है फ्रेस्को, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, एचिंग का प्रयोग किया जाता है ग्राफिक में, एक्रोलिक में, पेस्टल में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, ग्राफिक में। अगला प्रश्न है, किसी लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिए जाने को क्या कहते हैं, लिनोकट, वुडकट, सेरीग्राफी, एचिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वुडकट। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं, कोलाज, ग्राफिक, फिस्केटिव या इंटीग्लियो। ऑप्शन डी सही होगा, इंटीग्लियो। अगला प्रश्न है, विश्व में लिथोग्राफी प्रेस को कब खोजा गया था, की खोज किसने किया था। ऑप्शन है गुटेनबर्ग, मुइब्लो टाइपो या अलाय सल्फेडर या न्यूटन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाय सल्फेडर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, भारत में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी, कहाँ पर, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या भोपाल में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी, 20वीं, 15वीं, 18वीं या 10वीं। ऑप्शन सी सही होगा, 18वीं शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की थी, लिथोग्राफी प्रेस की, स्टूडियो की, संग्रहालय की या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथोग्राफी प्रेस की। तो भारत में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, एचिंग में छपाई के वक्त कागज कैसा होना चाहिए, सियालकोट कागज, ताड़पत्र कागज, किंचितनव या कैनवास। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, किंचितनव। तो एचिंग में छपाई के वक्त कागज किंचितनव होना चाहिए, नम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग खालिस्तान ने किया। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, के जी सुब्रमण्यम, एफ हुसैन या पिकासो। तो भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग सबसे पहले किया था के जी सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, एक्वा टिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन है पिकासो, ब्राग, गोया या सेजान। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोया ने। एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले गोया ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, सुमेलित कीजिए आपसे सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दिया गया है ऑफसेट मुद्रण, अक्षर मुद्रण, स्क्रीन मुद्रण और ग्रेवियोर मुद्रण।
या और एक तरफ नाम दिया है इंद्रविंग, क्लोनोग्राफी, इंटेगेलियो या सीरीग्राफ। यहीं पर मिलान कर लेते हैं तो ऑफसेट मुद्रण प्लोनोग्राफी, एक को मिलाते हैं दूसरे से। इसके बाद अक्षर मुद्रण इंद्रविंग, स्क्रीन मुद्रण इसको मिलाते हैं चार से सीरीग्राफी, और ग्रेवियर मुद्रण इंटेगेलियो। तो इस तरह से हमने मिलान कर लिया। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।